हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं ममता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सर्विका सिंह ब्लॉग में। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरे हाथ में झाड़ू है और मैं आज के ब्लॉग का स्टार्टिंग झाड़ू से कर रही हूँ, यानी रात्रि आने वाली है और जल्दी जल्दी मैं सफाई कर लूँ ताकि मंदिर वगैरह साफ रहे तो पूजा करने में आसानी रहेगी। नवरात्रि के दिन तो सफाई करना ज़रूरी है क्योंकि पितृ पक्ष के दौरान मंदिर में सफाई कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये वाले साला मैं लेके आई थी जन्माष्टमी के टाइम पे और तब से लगा ही हुआ था। अभी मैंने निकाल दिया, अभी मैं मंदिर को सजाऊंगी। उस टाइम पे फिर से इसको सजाऊंगी, किस तरह से डेकोरेट करना है, तभी मैं इस तरह से इसको लगा के इस तरह से रख दे रही हूँ। जब मंदिर साफ हो जाएगा तब मैं कर लूंगी इसको। और फटाफट से मंदिर का कर लूँ। मंदिर के भगवान मैंने सारे बाहर निकाल दिए हैं ताकि अच्छे से आसानी से हो जाए। कितना भी साफ करो मैं तो धूल हो ही जाता है चारों तरफ, तो नीचे का ही पोंछ लेती हूँ। काम वाली बाई अभी झाड़ू पोछा करके गई है, पर यहाँ पे मैंने रखा था ये टेबल, इसलिए नीचे का थोड़ा सा गंदगी हो ही गया था। तो ये देखिए मैंने सारे भगवान को बाहर निकाल लिया है। अब एक एक करके पोछ के मंदिर साफ कर ली हूँ। पोछ के मैं एक एक भगवान को फिर ऊपर रखते जाऊँगी। और कपड़े सारे मैंने इनके निकाल दिए हैं, धोने के लिए डाल दिए हैं, दूसरे कपड़े पहनाऊँगी। तो मंदिर मैंने खाली कर दिया है, अब सारे भगवान को मैंने नीचे उतारा है ताकि इनको अच्छे से पोछ के, और मंदिर मैंने पोछ दिया अच्छे से पोछ के फिर एक एक करके सारे भगवान को मैं ऊपर रखूंगी। और इनके मैंने वस्त्र भी निकाल दिए हैं, तो वस्त्र मैं आज धो दूंगी तो कल मैं वस्त्र पहनाऊंगी। अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ तब तक। तो ये देखिए विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, बहुत सुंदर है मूर्ति है। और इस तरह की मूर्ति आप अपने घर में जरूर रखें क्योंकि जहाँ पर भगवान विश्राम करते हैं वहाँ पे बहुत ही शुभ कार्य होते हैं। तो ऐसी मूर्ति भगवान विष्णु की जरूर रखें जहाँ पे भगवान विश्राम मुद्रा में हो और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हो, तो वहाँ पे लक्ष्मी जरूर टिकती है आपके घर में। इस तरह की अगर मूर्ति हो तो आपके घर में लक्ष्मी जरूर टिकेंगी क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ पे विश्राम करने की मुद्रा में है। जहाँ पे भगवान विष्णु है वहां पे माँ लक्ष्मी तो अवश्य ही रहेंगी। ये है गणेश जी। तो गणेश जी के भी मैंने वस्त्र निकाल दिए हैं, अभी मैं इनके दूसरे वस्त्र है, मैं दूसरे वस्त्र इनको पहनाऊंगी। तो अभी मैं पहले पोछ लेती हूँ, फिर मंदिर में रख लूंगी, फिर एक एक करके सबको वस्त्र पहनाऊंगी। और जो पुराने वाले जो वस्त्र हैं जो पहने हुए थे, अब जो मैंने निकाला है उन वस्त्रों को मैं आज धो दूंगी ताकि वो कल तक रेडी हो जाए। तो अभी मैंने सफाई की थी मंदिर की, जन्माष्टमी के समय में ही यह सफाई की थी। अभी इसलिए आवश्यक है सफाई सफाई करना क्योंकि अभी वो चल रहा है, पितर पक्ष चल रहा है, तो पितर पक्ष के दौरान मंदिर की सफाई करना जरूरी होता है। रीजन खैर मैं नहीं जानती, पर सफाई जरूर करनी चाहिए। यह भगवान बृहस्पति भगवान की फोटो, तो इनकी मैं इसलिए फोटो रखी हूँ कि मैं इनकी पूजा करती थी पहले, अभी नहीं कर रही पूजा, मतलब करती हूँ पूजा लेकिन व्रत पहले करती थी और अभी मैंने व्रत का उद्यापन कर दिया है, तो इसकी वजह से इनका फोटो मैं रखी हूँ। तो अभी भी मैं इनकी पूजा करती हूँ तो मंदिर में इनकी फोटो भी मैंने रखी है। तो ऐसे में बॉक्स में भगवान के कपड़े वगैरह रखती हूँ। तो इसमें देखिए नीचे बिछाने वाला आसन हो शायद, तो पहले मैं इसी को बिछा देती हूँ आज क्योंकि बाकी सारे सारे अच्छे वाले तो सब मैं धोने को डाल रही हूँ, तो मंदिर में आज मैं इसी को बिछाऊंगी। ये वस्त्र माँ लक्ष्मी के हैं, तो मैं इनको पुराने वाले वस्त्र मैंने निकाल दिए हैं, अब मैं इसको पहनाऊंगी। फिर अब एक ही बार अब उस समय दिवाली के समय मैं चेंज करूंगी, नए वस्त्र ले आऊंगी, माँ लक्ष्मी नए ही लेकर आऊंगी तो उसी समय अब चेंज करूंगी। अब मैं इसको उसी को फिलहाल पहना देती हूँ। और ये भगवान गणेश जी का है, धोती है उनकी। चुन्नी भगवान बृहस्पति भगवान की है क्योंकि मैं उनको पीला कलर का चुन्नी उड़ाती हूँ, और ये चुन्नी माँ लक्ष्मी माता की है। और ये देखिए ये भी चुन्नी इसकी मैचिंग है, ये वाली चुन्नी, तो इसको मैं पहनाऊंगी माँ लक्ष्मी माता को अभी अभी तो फिलहाल में। और ये वाली चुन्नी जो ऊपर माँ लक्ष्मी माता मैंने रखी उनको उड़ाऊंगी।
नहाए नहीं है, माधव भी नहीं नहाए हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी सफाई कर लूँ फिर नहलाऊंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ी सी बिजी थी। और लड्डू गोपाल को रखती थी, अभी भी रखती हूँ। और ये टेबल मैंने इसलिए रखा है ताकि उनके और भी सामान होते हैं, जैसे जल वगैरह, थाली, प्लेट, ये सब चीज़ें होती हैं, उनके कपड़ों की टोकरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं इस पे रख देती हूँ। ये सॉरी की टेबल है, पहले ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो वो पढ़ता था इस पर अब तो स्कूल जाने लगा, ऑफलाइन क्लासेस होने लगी हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो कहीं भी होमवर्क वगैरह अपना कर लेता है। तो इस पे मैं अब भगवान का यूज़ करती हूँ और इस पे भगवान लड्डू गोपाल जी बैठते हैं, क्योंकि मैं उनको मंदिर में नहीं रखती हूँ, अलग ही रखती हूँ ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में और भी भगवान हो है तो वो अकेले यहाँ पर रहते हैं, यहीं विश्राम करते हैं, यहीं उनका भोग लगता है, यहीं उनकी पूजा होती है और यहीं पर वो शयन भी करते हैं। तो आप सब भी अगर मतलब आपका इस तरह का मंदिर है तो आप एक अलग से उनकी व्यवस्था इस तरह से बनाएं, कोई भी चौकी रखें या फिर अलग से कैबिनेट एक बनाए उनका, ताकि वो उनकी सामग्री और उनके शयन का जो भी चारपाई बेड जो भी आप रखते हैं वो अलग ही रहे उनका, तो उनको काफी कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो इसे मैं पूछ देती हूँ, उसको भी तैयार कर लेती हूँ। और काम करते करते काफ़ी लेट हो गया तो मैं वही वंशिका से बोल रही हूँ कि लो ये पैसे लेके जाओ और कुछ पूरी सब्जी वगैरह पैक करा के बाहर से ले आओ, ताकि नाश्ता कर ले तो खाना आराम से बन जाएगा बाद में, जब तक सफाई में कर लेती हूँ। तो अभी मैं इस पे यही पेपर जब तक भी छा रहती हूँ, क्योंकि नवरात्रि में मैं कपड़ा लेके आऊँगी तो कपड़ा ही दोनों पे लाल लाल सेम भी छाऊंगी। अभी तक मैं काम चलाने के लिए इसी को बिछा दे रही हूँ। और मेरे माधव लड्डू अभी नहाए नहीं है तो सबसे पहले मैं उनको नहला देती हूँ, तब बाकी का काम करूंगी क्योंकि लेट हो रहा है। तो कुछ भी मिला लें इसके अंदर, और एकादशी के दिन भगवान को इस पे स्नान जरूर कराइए, यानी पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तो ये देखिए, तो सबसे पहले भगवान के कपड़े निकाल लेते हैं, तब जाके लड्डू माधव के कपड़े पहले निकाल लें क्योंकि ये नाइट ड्रेस पहने हुए हैं, और इसके बाद से स्नान कराएंगे। इसको मैं धो दूंगी, रात के कपड़े हमेशा धो देने चाहिए। ये मेरे लड्डू छोटे से, और ये है बहुत नटखट, बहुत ही ज्यादा नटखट है। और जब भी इनको उठाया जाता है, सुबह सुबह मैं उठा देती हूँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तभी वंशिका इनको उठाती है, दोनों लोग को उठा देती है, मैंने कहा उठा दो फिर उसके बाद से मैं स्नान करूंगी, मैं नहाऊंगी तो इसके बाद से इनकी पूजा करूंगी, तो इनको नहलाऊंगी। तो तब तक ये उठ के बैठे रहते हैं। और ये देखिए, ये जब भी उठते हैं तो इन अपने मच्छरदानी में से एक तकिया इनका हमेशा ही, आप यकीन नहीं करोगे, एक तकिया हमेशा ही अपने साथ ये लेके आते हैं। जब भी मैं हमेशा इनका तकिया इनके साइड में ऐसे करके सुलाती हूँ, और ये तकिया, ये जब भी इनको बाहर निकाला जाता है, मच्छरदानी से बाहर निकाला जाता है, तो एक तकिया ये अपने साथ बाहर लेके आते हैं। तो मैं भी कहती हूँ कि शायद भगवान को अभी नींद आ रही है, इनको तकिया के साथ ही मैं ऐसे ही फिर इनको बैठा देती हूँ तकिया के साथ ही, क्योंकि इनको पता नहीं ये तकिया बहुत पसंद है और ये हमेशा ये तकिया लेके बाहर आते हैं, तो फिर इनके साथ ही मैं इनको रखती हूँ, इस तकिए को हमेशा साथ रखती हूँ, छोटे वाले भगवान के पास रखती हूँ। तो ये इनकी नटखट लीलाएं हैं, आप समझ रहे हो कि ये घट रहा है कुछ, लेकिन ये घटता नहीं है, ये इनकी मर्जी होती है इसमें से भी कि मुझे ये करना ही है। और यही छोटी छोटी जो बालपन होता है, जब जैसे कि इनको आपको परेशान अगर करना होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये परेशान कर रहे हैं, सो
पूछिए किस तरह से परेशान करते हैं भगवान, आपको किस तरह से नटखट लीलाएं आपके साथ दिखाते हैं। जैसे कि आप सब कुछ तैयारी करके पूजा करने बैठ गए और उसी टाइम पे आपको याद आया कि लो मैंने तुलसी पत्ता तो लिया ही नहीं, तो ये होती है इनकी नटखट लीलाएं। तो फिर दौड़ के फिर तुलसी पत्ता आप लेने जाओगे, छत पे जाओगे, चाहे चाहे जहां भी आपने रखी है वहां पे जाओगे लेने के लिए। फिर एंड टाइम पे सब कुछ तैयारी कर ली, लो दूध तो अंदर ही है, फिर दूध लेने जाओ। तो कभी कभी इस तरह से परेशान करते हैं ये, तो ये ज्यादा करते हैं, ये छोटे हैं ना, ये ज्यादा करते हैं। ये तो माधव तो बहुत भोले हैं, बहुत ज्यादा भोले हैं, ये नटखट नहीं है, ये थोड़ी सी शैतानी करते हैं, नटखट नहीं है। और ये दोनों आपस में बहुत ही नटखट पारपन करते हैं एक दूसरे के साथ में, क्योंकि ये तो है बड़े भैया, है कद में छोटे पर है बड़े भैया, पहले आए थे और ये बाद में आए हैं, इसलिए छोटे भैया है, इसलिए भोले हैं थोड़े से, है ना बाबू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर हो सके तो बच्चों को चनामृत समझ के इसको दीजिए, पिलाइए जरूर इस जल को, और उसके बाद से अपने घर में छींटे लगाइए फूल से, और फिर उसके बाद से गमले में डाल दीजिए। अगर पॉसिबल है आपके घर में मटका रखते हो तो मटके में थोड़ा सा इसका जल मिला दे, ताकि बच्चों को आशीर्वाद के स्वरूप भगवान का आशीर्वाद मिलते रहे, चंद्रामृत के आशीर्वाद मिलते रहे। तभी मैं इसको रख लेती हूँ। और माधव की, इसमें मैं उनकी सारी सामग्री रखती हूँ, और देखिए इसमें सारे कपड़े उनके भरे हुए हैं। तो मैं इसमें देखिए ये माधव के हैं, ये भी माधव के हैं, और ये लड्डू के हैं। तो इस तरह से मैं कपड़े उनके सबके रखती हूँ, देखिए उनकी पगड़ी भी है, तो मैं इसी में सारे सारे जितने भी वस्त्र हैं भगवान के सब मैं इसी में रखती हूँ, और जो मुझे पहनाना होता है बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो अभी मैं वही ढूंढ रही हूँ कि मैं मैचिंग दोनों को पहनाऊँ, ये तो इनकी कैप है, और ये लड्डू की है, तो मैं इन्हीं की मैचिंग इनको पहनाऊंगी आज। और ये तो पगड़ी है भगवान की, तो मैं इसमें रख देती हूँ इस तरह से, और अब काफी आसानी से मिल जाता है, इसीलिए मैं मोर पंख से बाहर रखूंगी, इसी में मैं इस तरह से रख देती हूँ। और फिर मैं इसीलिए ये वाला टेबल रखी हूँ ताकि इनका सामान मुझे बगल में ही सब कुछ मिल जाए, ज्यादा दूर तक जाना ना पड़े। अभी तो खैर व्यवस्थाएं नहीं है मंदिर की उस तरह से, नहीं तो भगवान के लिए तो अलग सी हर चीज होना चाहिए, पर ठीक है भगवान की जैसी इच्छा, जिस रूप में हमें रखना चाहते हैं उस रूप में हम खुश हैं और अपनी कृपा बनाएंगे तो मंदिर की व्यवस्था हो जाएगी बहुत जल्द। और अपनी इच्छा अपनी ये आप अपनी दृष्टि दया दृष्टि दिखाएं तो घर भी हो जाएगा, मंदिर भी हो जाएगा। अब इन्हीं की कृपा तो है, जैसा ऐसा है, वस्त्र पहना देती हूँ, छोटे से हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है इनको वस्त्र पहनाने में। आप देखिए ये भी तैयार हो गए, ये भी तैयार हो गए, और मैं इनको इनके बगल में रखूंगी, और ये देखिए कैप वैप लगा के काफी स्मार्ट लुक दे रहे हैं। और इस तरह से आप भगवान को खिलाया करिए, लाड़ किया करिए। और इसके बाद से मैं इनका श्रृंगार तो आज ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि हल्के कपड़े पहने हैं तो इसी हिसाब से मैं हल्का ही श्रृंगार करूंगी इनका। तो देखिए मैं इधर ही बगल में ही रखी हूँ, क्योंकि मैंने रात को निकाला था, ये बांसुड़ी भी जरूर दूंगी इनको, ये बांसुड़ी बिना तो अब ये देखिए ये छोटे छोटे से टॉप्स लेके आई हूँ, ये छोटे वाले ही भगवान का है, तो सिंपल ड्रेस पे सिंपल टॉप्स पहनाती हूँ। और ये बड़े वाले भगवान के लिए लेके आई, थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसलिए इनको मैं इस तरह से पहनाऊंगी ताकि ये
स्मार्ट लगे। और इसके बाद से कड़ा ही बना ही देती हूँ, क्योंकि कड़ा भी मुझे सुना ही लगेंगे, ब्रेसलेट इनका है तो ब्रेसलेट मैचिंग है, ये भी बना ही देती हूँ। इसके बाद से ये छोटे वाले भगवान का है, और इसका एक पेयर इन्होंने ढूंढ कर दिया है, एक पेयर मिल ही नहीं रहा है, मैं काफी ढूंढ चुकी हूँ पर ये जब से आया है एक पेयर इसका इन्होंने गुम कर दिया है। मैंने जन्माष्टमी दिन सुबह में पहनाया था इसको, और जन्माष्टमी के दिन ही इन्होंने शाम को बैठ उठती रह गई, मिला नहीं, गुम ही हो गया। तो ये है इनकी लीलाएं, और ये मैं तुलसी माला इनके पास रख देती हूँ या फिर पहना ही देती हूँ। और ये बड़े वाले भगवान की तुलसी माला है, ये खुद मैं जरूर पहनाऊंगी। और ये है छोटे वाले भगवान की बांसुरी, और ये इनकी बांसुरी है, इनके पास रहेगी। और ये मुकुट है, मुकुट लगाई देती हूँ। और ये आसन है, आसन है तो मैं अभी आसन पे भगवान को नहीं बैठा रही हूँ, क्योंकि माधव जब से आए हैं तब से वो नीचे बैठते हैं, तो इसलिए मैं इनको भी नीचे ही बैठाती हूँ। जब तक माधव का आसन नहीं आता है तब तक ये वाले भगवान को मैं इनके साथ ही बैठाऊंगी, ताकि अच्छा ही लगता ना, एक भगवान ऊपर बैठे एक भगवान नीचे बैठे हैं, इसलिए मैं आसन अभी ऐसे ही रख रही हूँ। तब तक इसमें इनकी श्रृंगार चीजें ऐसे रख देती हूँ साइड में, और ये क्या तकिया है, ये तो इनके बगल में ही रहेगा। और ये देखिए, ये है जितने भी लोग प्रसाद लेके जाते हैं माँ वैष्णो देवी के प्रसाद लेके जाते हैं, तो ये सिक्के प्रसाद में रहते हैं, जरूर रहते हैं सब, जितने भी लोग देते हैं तो ये सिक्के मैं इकट्ठा करते रहती हूँ माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद के स्वरूप, और इन सिक्कों को मैं इसी में इस तरह से रखती हूँ सजा के, ताकि इनकी पूजा भी हो सके, और इनको इधर उधर करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसी में रखती हूँ सारे सिक्कों को, इकट्ठा ही रख देती हूँ, ताकि इनकी पूजा हो जाए, और इसे मैं मंदिर में रखती हूँ इस तरह से। और ये छोटी सी गैया माता जो इनके पास में हमेशा ही रहती है, और ये इनकी बांसुरी है, ये तो रहेगा ही, मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और मोर पंख भी इनके पास ही रहेगा। छोटी सी चारपाई है, और इस पे पहले लड्डू सोते थे, पर अभी माधव भी आ गए हैं इसलिए दोनों इसमें नहीं आ पाते हैं, तो मैं दोनों को अलग ही फिर सुलाती हूँ, और ये अभी तो रखा ही ऐसे, देखते हैं इसका क्या करना। और ये है लड्डू और माधव का जल, जिसे मैं अलग ही रखती हूँ, ताकि गर्मी बहुत बीच में पड़ रही थी, और मैं हमेशा से इसी में इनके लिए जल रखती हूँ, ताकि यहीं से इनको जल मिल जाए, और ठंडा भी रहता है गर्मियों में, तो इस तरह से मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ। मैंने कहा ना, मैंने टेबल बस इसीलिए ही रखा है कि ताकि इनकी सारी सामग्री मुझे आस पास मिल जाए, ज़्यादा दूर भागना ना पड़े। और ये मोर पंख है, इसको भी मैं यहीं पर रखूँगी, और मेरी सफाई तो भी काफ़ी चलेगी लंबे टाइम तक, तब तक शौर्य को भूख लग गई है और वंशिका खाना लेके आ भी गई है बाहर से नाश्ता, तो ये देखिए काफ़ी फैला हुआ है, और मैं तो अभी नहीं खाई क्योंकि मेरे भी पूजा नहीं हुई है, पूजा कर लेती हूँ उसके बाद नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद ये सारी चीज़ें समेटूँगी, जो धोने वाली है उसे धोऊँगी, जो पोछने वाली है उसे पोछूँगी। देखिए मंदिर तो मेरा साफ़ हो गया है अच्छे से, और कपड़े जब भगवान के सारे धुल जाएंगे उसके बाद से मैं अच्छे से सब बिछाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल मैं इतना ही की हूँ। और ये रूम भी काफ़ी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है,
और ये सब करते करते 12 बज गया, तब जाके भूख लगी है और मैं अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ, तो फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ। इसके बाद से आगे की देखेंगे क्या करना है। काम तो अभी फैला हुआ है पर नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद से पूजा भी हो गई, उसके बाद से सारा धोने वाला काम कर लेंगे और थोड़ी बहुत सफाई रहेगी वो कर लेंगे। तो भूख लगी थी इसलिए पहले हम सोचा कि नाश्ता कर लें, उसके बाद से। तो ये है मेरा नवरात्रि के सफाई का ब्लॉग, तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।